प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान योजना के तहत मंगलवार को अयोध्या जनपद में जगत हॉस्पिटल से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुष्मान जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक करना है। रैली का समापन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार ने बच्चों को फल वितरित करके किया। इस मौके पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एशन द्विवेदी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉक्टर प्रभात दत्त त्रिपाठी, बाल विद्या मंदिर के संस्थापक मदन मोहन त्रिपाठी और जगत अस्पताल जगत चैरिटेबल ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी सिमी द्विवेदी और आयुष्मान भारत योजना के पदाधिकारी एवं जगत अस्पताल के सदस्य एवं कर्मचारी भी इस रैली में मौजूद रहे। चिकित्सा अधीक्षक के पास पर्याप्त बजट है, इनको निर्देशित किया गया है कि एलपी के माध्यम से जो दवा नहीं हो उपलब्ध कराए, और हमारा कारपोरेशन है बना हुआ लखनऊ में, वहाँ से शीघ्र ही दवा उपलब्ध हो जाएंगे। जो मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतों का कब लाभ मिलेगा उनको? उनको ये वहाँ के प्रमुख अधीक्षक को हम भी पत्र से कह देंगे कि अपना जो एलपी के माध्यम से अधिक दवा खरीद लें, चूँकि इस समय संचारी रोग चल रहे हैं, उनको लाभान्वित करना है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, इसलिए सरकारी और गैर सरकारी सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और हम समय के साथ ये देख रहे हैं कि लगभग 200 ऑपरेशन मैं खुद कर चुका हड्डी के, और अब उस टाइप के केसेज आ रहे हैं जो कई कई सालों से नज़रअंदाज पड़े हुए हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अभी तो मैंने एक इलाज किया कि जिसकी 4 साल से हड्डी जुड़ी नहीं, वैसे बेचारा पड़ा हुआ है, उनका ऑपरेशन मैंने किया, अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है मरीज। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहे हैं, कभी कभी तो ये सोचना मुश्किल हो रहा है कि इस तरह इलाज करने से इनका ठीक भी होगा कि नहीं।